भी टॉपिक ऐसा नहीं स्पेशल है, स्पेशल टॉपिक ये है कि आज हम गौरव से और अहमद से जानेंगे कि पुर्तगाल आने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या फेस किया, खासकर अहमद से क्यों रिसेंटली आया हुआ है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें मालूम हो गई होगी। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, गौरव के ऑफिस आया हूँ मैं, एक बिज़नेस सेंटर है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप रेंट पर ऑफिस ले सकते हो, तो यहाँ पर आए हुए हम अपना इनकी कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ, ये इन्होंने कंपनी खोला हुआ अभी, ये ऐप भी इनका बहुत जल्दी आने वाला है। तो मेरे रेस्टोरेंट कंपनी, रेस्टोरेंट की कंपनी है ना, वही वही। तो यहाँ पे इनका ऑफिस भी है, इन्होंने लिया हुआ है अपने बैक एंड ऑफिस। लिफ्ट से ऊपर चलते हुए चलेंगे, तो शुरुआत करते हैं अहमद से। अहमद कैसा रहा सफर आपका पुर्तगाल का? हाँ फिर तो एयरपोर्ट का थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना ट्रेजेडी हो गई थी एक्चुअली, मैं कुछ मेरे मसले बन गए थे कुछ एम्बेसी के साथ, वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था आपने। तो क्योंकि मेरा प्रोग्राम यही था, जैसे कि आपको भी पता ही है, कुछ चीज़ें अभी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते यहाँ पे, बट फ्यूचर जो है वो करेंगे ज़रूर। अच्छा फिर क्या मतलब क्या इशू था आपका, मतलब फिर कैसे आप एंट्री किए पुर्तगाल में, कैसे क्या हुआ आपके साथ? वो ऐसा था कि मैंने जो है ऑलरेडी फ्लाइट बुक की हुई थी और लास्ट मोमेंट पे आके जो है मेरे साथ एस्टोनिया एम्बेसी ने बोला कि भाई आप जो है ना इसको हमें कंफर्म टिकट भेजें। सो कंफर्म टिकट आपको निकालना पड़ा? वो कंफर्म ये निकालना पड़ा और कंफर्म टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। और प्रॉब्लम ये थी कि टालिन जो है दुबई से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी एस्टोनिया के लिए, एस्टोनिया के लिए। तो वो फिर मैंने वो भी मैटर आपने सॉर्ट आउट करके दिया था, आपको पता ही है। जब पुर्तगाल में आप आए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? पुर्तगाल में ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई मैं कुछ मसाला वसाला बना दूँ, लेकिन जो सच बात यह है कि वो भी सारी सेटिंग आपने करके दी थी। और गौरव सिंह का थैंक्स, इन्होंने आते साथ मैं पुर्तगाल लिस्बन एयरपोर्ट पे आया, मुझसे कोई, क्योंकि मेरी इमिग्रेशन जो है वो रोम में हो गई थी, रोम में जस्ट उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका जो है बोर्डिंग कार्ड हमें दिखा दें इमिग्रेशन पे, उन्होंने बोर्डिंग कार्ड, ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगी कि भाई बोर्डिंग कार्ड, क्योंकि मेरा वीज़ा एस्टोनिया का था, तो मेरे से उन्होंने बोर्डिंग कार्ड मांगा, वो जस्ट बोर्डिंग कार्ड देख के उन्होंने कर दिया। बाद में निकलते वक्त तो थोड़ा कस्टम का था मेरा, क्योंकि मेरे दोस्त ने जो है ना वो बैग रैप कर दिया था। मैं ये भी बोलूँगा कि जो भी मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं वो इस तरह बैग रैप करके, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं ना, फुल देसी स्टाइल में, इस तरह नहीं करके जाएं, आप डिसेंट तरीके से आए हैं, आप किसी एक अच्छे कंट्री में जा रहे हैं इस तरह। वो मुझे उन्होंने थोड़ा मतलब चेकिंग वर्किंग की सारी, हर चीज़ निकलवा के, फिर मेरा जब पासपोर्ट देखा तो ऑलरेडी वीज़ाज थे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं ऐसा मुझे, फिर उसके बाद कर दिया। फिर यहाँ पे आने के बाद पुर्तगाल में आया लिस्बन, तो लिस्बन आने के बाद मुझे कोई सवाल नहीं किया वहाँ से, तो लोकल फ्लाइट, हाँ लोकल फ्लाइट, उधर से भी आते वक्त रोम से भी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर जब मैं इधर आया तो यहाँ आते साथ मैं एयरपोर्ट से निकला और वहाँ से बस लेके मसीदा ब्रांतिस आ गया लिस्बन से, गौरव ने रिसीव किया, फिर गौरव ने ही मेरा जो है फाइल लॉक का प्रोसेस स्टार्ट किया। गौरव को ईयरबड्स दिए वो तो एक गिफ्ट था, मैं लेके आया था इसके लिए। हाँ। फिर वहाँ से इसने मेरा फाइनेंस बनवाया, उसमें मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था फाइनेंस में, कि वो ये हुआ कि मेरा फाइनेंस में जो है ना मेरे पासपोर्ट पे एड्रेस नहीं था, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस नहीं होता वहाँ पे, जस्ट सिटी मेंशन होता। ओके, तो यहाँ पे पुर्तगाल में आपको चाहिए होता है एड्रेस, उस एड्रेस के लिए आपको कोई चीज़ साथ में देनी पड़ती है, मतलब आपको यानी आपका पाकिस्तानी रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, नेशनल आई डी हो जिस पे एड्रेस लिखा हुआ, तो वो चल जाता है। तो वो पहले अप्लाई किया, वो उनका कुछ सिस्टम ऐसा बना कि फर्स्ट टाइम, ये गौरव ने भी बताया मुझे कि इतनी फाइल लॉकिंग की, लेकिन उसके बावजूद फर्स्ट मेरा ही एक ऐसा केस था कि जिसमें ये इशू बना। तो पाकिस्तानी का हर लोग का ये सेम प्रॉब्लम होता है? नहीं सबका नहीं होता, बट वो मेरा कुछ ऐसा जो है ना वो इशू बन गया था। फिर उसके बाद वो जब किया तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ा, अब्रांतिस में आया कुछ 15 दिन के बाद, फिर गौरव मुझे लेके गया डायरेक्ट फाइनेंस के ऑफिस में, वहाँ पे जाके
वहाँ पे जाके जो है इन्होंने फिर मेरा दोबारा से फाइनेंस बनवाया, अप्लाई किया, फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव मांगा, और वो औरत जो थी वहाँ पे फाइनेंस वाली, वो भी हैरान थी जब उसने देखा कि पाकिस्तानी के लिए एक इंडियन जो है रिप्रेजेंटेटिव बन गया। सवाल आ रहा है हमारे भाइयों का कि पुर्तगाल में कितने पैसे कमा सकते हैं। पुर्तगाल में पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, अगर आप कमाने वाले हो, यहाँ पे नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो 760 यूरो का चलता है, लेकिन अगर आप करना चाहो आप दो ड्यूटीज भी कर सकते हो। मेरे साथ जानने वाले दोस्त हैं ऐसे जो 1300, 1400, 1500 भी कमाते हैं, और अभी जनवरी से तो बेसिक पे भी, हाँ वो भी अपडेट हो रहा है, 800 कुछ हो गया, 830 मतलब जो 705 से 760 हुआ था अभी वो 862 समथिंग बेसिक बढ़ने वाला है, उतनी बेसिक सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ये मिलेगी मिलेगी आपको। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो दो जॉब्स भी करते हैं, ठीक है, तो वो भी है। अपना बिजनेस करो तो वो भी अच्छा है। एक सवाल आ रहा है सकीब भाई का कि गौरव भाई किस कंपनी में क्या काम करते हैं। भाई आप बताइए क्या करते हैं आप। मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता हूँ, हाँ मैं अपनी खुद की कंपनीज के लिए काम करता हूँ। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि अपने लिए काम किया जाए, चाहे जितना छोटा या बड़ा हो। तो अभी जितनी भी मेरी कंपनी है एक दो, तो मैं उसमें सब अपने लिए सब कुछ करता हूं। आप जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हो, आप सब सवालों का जवाब पूछो। ये दोनों बंदे आज सवाल का जवाब देंगे, भले ही वीडियो आधा घंटा चले, आज पौना घंटा चले, एक घंटा चले, सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। बताइए, सुपरमार्केट में जॉब मिलता है यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा इशू क्या है कि लैंग्वेज बैरियर है, बट अगर आप आओगे तो स्टार्टिंग लैंग्वेज में थोड़ा फोकस करोगे तो जॉब्स मिलती हैं। सिटीज़ में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ मिल जाती हैं डिमांड के हिसाब से, बट अगर छोटे एरिया में या इवन सिटीज़ में भी वो प्रिफर करते हैं कि लैंग्वेज आती हो। Okay. तो अगर आप लैंग्वेज आती हो तो कोई बैरियर नहीं, हर जॉब यहाँ पे मिलती है। पुर्तगाल, व्हाट इज द बेस्ट, माल्टा और पुर्तगाल? ऑब्वियसली नो डाउट पुर्तगाल इज द बेस्ट, कोई मतलब डाउट ही नहीं है, हर सिचुएशन के लिए अलग है। ये सबसे बेस्ट आंसर इसका गौरव सिंह दे सकता है, मैं अपना एक मतलब यानी पर्सनल एक मैं राय दे रहा हूं आपको, ठीक है, पर मेरे हिसाब से माने ये वहां पे रह के आया तो यही बताएगा आपको। मेरे लिए तो मैं सच बताऊं, ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो दो सिनेरियो हैं जिसके, क्योंकि देखिए हर घर के फैमिली सिचुएशन सेम नहीं होती है। तो अगर जैसे पुर्तगाल में थोड़ा आपको खर्च करना पड़ता है, फिर आके भी काफ़ी समय वेट करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। माल्टा में जॉब से लेकर चीज़ें इजी हैं, तो अगर बंदा पहले माल्टा आके थोड़ा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करके फिर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए आए तो अच्छा है, बट एट दी एंड आपको आना पुर्तगाल। हाँ, अगर आपको सेट होना है यूरोप में लाइफ टाइम के लिए, अगर आप वो माल्टा में ही माल्टा के सोच रहे हो, तो फिर मैं तो बोलूंगा जो दुबई में सेट है उसको आने की जरूरत ही नहीं है। दुबई और माल्टा में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि दुबई तो ज्यादा बेटर है, दुबई में दो साल का वर्क परमिट है आपके पास। नहीं, देखिए देखिए, माल्टा जो मैं काम करता हूँ, ये मैंने देखा है कि अगर जैसे एक लेबर क्लास का बंदा वहाँ 1000 के ऊपर कमा रहा है, हाँ ये चीज है, तो वहाँ एटलीस्ट 1000 यूरो आदमी कमा सकता है, ये चीज है। माल्टा में पैसे हैं, काम में बहुत पैसे, मैंने इसीलिए ये लगता है कि आप माल्टा के पैसे बचा के अपने यहाँ बिजनेस, हाँ प्लस वर्क वहाँ पे तो पर आवर सैलरी है, राइट, तो वहाँ पे एक और ज़्यादा, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे सैटरडे काम करते हो आप, फिक्स सैलरी होती है, तो जो ओवर टाइम होता है वो थोड़ा बंदे समझ नहीं पाते। अच्छा। माल्टा में तो क्लियर है कि आपको पर आवर इतना मिल रहा है, इतना ओवर टाइम करोगे, हाँ वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो बाकी यही है कि अगर इनकम माल्टा में भी हम कर सकते हैं ना, मतलब यानी एक से दूसरी जगह भी जाओ। पूछ रहे कितना चार्ज फीस लेते हैं पुर्तगाल के लिए, किस चीज का, किस चीज का सवाल है दोस्तों, जरा सवाल को क्लियर कीजिएगा। हाँ। और हम कोशिश करते हैं टेबल पे बैठने की, वहां पे इजी तरीके आपके सवालों का चीजों को देख सकते हैं। जो आज सवाल का जवाब देने आया पुर्तगाल में बैठा, 9 मिनट का वीडियो बन गया और इस वीडियो को लंबा बना लिया है, यहां पे फ्रंट पे रखते हैं, हां बैक साइड पे रोशनी ज्यादा आएगी आई थिंक, देख इस तरफ रखते हैं, यहां पे जी जवाब यहाँ पे देंगे तो क्या थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा लोगों को। इंडिया से पुर्तगाल आने में कितना खर्चा होगा सर? इंडिया से पुर्तगाल आने में कितना खर्चा होगा, तो ये भी डिपेंड करता है हर बंदे के सिनेरियो में। अब जो जिसकी सैलरी इंडिया में ऑलरेडी अच्छी है, तो उसका टूरिस्ट वीजा और चीज़ों के लिए इजी होता है, तो उसके खर्चे कम होंगे। बाकी वर्क परमिट पुर्तगाल में मिलता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ें हैं, तो वो ये तो प्रॉपर आंसर आपके कंडीशन जान के ही होता है। मेरे हिसाब से अगर किसी को पुर्तगाल, अगर कोई माइंड बना रहा है कि मुझे पुर्तगाल मूव होना, तो उसके लिए जो सबसे ईजिएस्ट वे है वो थ्रू माल्टा,
माल्टा के अलावा कोई इजी वे नहीं है आपके पास के आ सके, चाहे मतलब वो आप इंडिया से हो, चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे किसी भी कंट्री से हो, क्योंकि माल्टा ही एक वाहिद ऐसा कंट्री है शेंगेन में। जावेद शेख साहब की पुर्तगाल में सीएनसी ऑपरेटर कितना कमा सकता है, मशीन ऑपरेटर? पुर्तगाल में सीएनसी ऑपरेटर क्या होता है एग्जैक्टली? सीएनसी मशीन ऑपरेटर होता है, मशीन ऑपरेटर कितना कमा सकते हैं? अच्छा, स्किल्ड बंदे। हाँ। तो यार इसकी तो कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्किल्ड बंदे होते हैं उनको तो ऑलमोस्ट हर जगह निगोशिएशन करनी पड़ती है। शकीब रहमान का सवाल है कि भाईजान पुर्तगाल सीधा आए या माल्टा में एक ईयर का बेस्ट रहेगा? मैं एक सवाल यहाँ पे एक जवाब देना चाहूँगा, अगर आपको माल्टा TRC दे रहा है या माल्टा वर्क वीज़ा दिया है, तो आपको मेरे हिसाब से वहाँ जाके उनके लीगल टर्म्स को ख़त्म करके, मतलब TRC बनाने के बाद उनका टैक्स पे करके और लीगल जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता तो ही आपको मूव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बट इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे बहुत लोगों को जल्दी होती है कि जल्दी पासपोर्ट लेना है, तो आप वहाँ से फाइल सबमिट कर दो, बट आप वहाँ के लीगल टर्म कंप्लीट करके तब भी मूव कर सकते हो, तो आपका यहाँ का प्रोसेस एक तरह से स्पीड में रहेगा वहाँ पे भी। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, सब जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग माल्टा के वीज़ा पे पुर्तगाल आना चाहते हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप आओ, ज़रूर आओ, बट वहाँ के लीगल टर्म्स जो है पूरे करो। उसकी रीजन ये है कि आपकी एक गलती की वजह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम, ये भी मैं अभी करने वाला था, वो फिर उनको भी यही लगेगा कि जैसे मतलब बहुत लोग भाग जाते हैं तो वो फिर देते नहीं है ना, जैसे एक पाकिस्तानियों के बारे में, खुद पाकिस्तानी नेशनल हूं, पाकिस्तानी और इंडियन है, तो लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक सच बात बता रहा हूँ कि लोग जो है वो करते यही है कि पाकिस्तानी खास तौर पर, कि जिसको भी किसी भी कंट्री का विजिट मिला वो सीधा पुर्तगाल। राइट, तो पुर्तगाल आए, यहाँ पे आके भी आप कोई लॉ ब्रेक नहीं करते हैं, बेसिकली मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो हम यूज करते हैं यहाँ पे तो वो बाय लॉ है, लेकिन दूसरे कंट्री के लिए वो आप गलत करते हो। आशीष साहब का एक सवाल है कि पुर्तगाल में PR मिलता है कि नहीं? पुर्तगाल ऑफ कोर्स इसमें, पुर्तगाल में ही तो PR मिलता है, यहाँ पुर्तुगाल यूरोप में वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो सबसे फास्ट प्रोसेस करता है, अनस्किल्ड के लिए भी, स्किल्ड के लिए भी, और प्लस पासपोर्ट जो है वो भी 5 साल के लिए, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री ओपन है। हाँ, मैं वैसे जनरली एक बात करूं कि पुर्तगाल और बाकी कंट्रीज की निस्बत जो है वाहिद स्किल नहीं देखता, इनका पासपोर्ट का प्रोसेस 5 साल का है, आफ्टर 5 ईयर्स जब आप लीगल हो जाते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है, और पुर्तगाल का पासपोर्ट मतलब टॉप 5 strongest passport in the world में आता है। अनुज अगस्त का सवाल है, सर मैं विजिटर वीजा में बेल्जियम आ रहा हूँ, तो बेल्जियम से माल्टा या पुर्तगाल वर्क परमिट कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप ऑलरेडी यूरोप में एंटर कर चुके हो और आपके फाइनेंशियल कंडीशन है कि आप 2-3 महीने सस्टेन कर सकते हो, तो पुर्तगाल मूव कर, क्योंकि लाइफ टाइम आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो। अगर और अगर आपके पास थोड़ी अमाउंट है, ठीक है, तो आप माल्टा भी मूव कर सकते हो, उसमें इनकम क्लियर कर दे थोड़ा, इन द सेंस कि 1000 यूरो तक है तो आप नहीं, 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 यो तो यहाँ का है ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माल्टा, कि अगर आप माल्टा मूव होना चाहते हो स्टार्ट में, आप पुर्तगाल में फाइल लॉक करके माल्टा में मूव कर जाओ, वहाँ पे जाके आप अपना TRC बनवाओ, जॉब वहाँ करो, वहाँ पे सैलरी अच्छी है। माल्टा में इंटर करोगे, यूरोप में आपने एंट्री ले ली, माल्टा में भी जाओ, बेल्जियम से पुर्तगाल, मैं समझ रहा हूँ, फाइल लॉक करके चले जाए, तो नहीं चलेगा? या आप पुर्तगाल नहीं आओ, आप डायरेक्ट माल्टा जाओ, फाइल आपको यहाँ पे लॉक हो जाएगी। नहीं, बट मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा ये क्लियरेंस था कि जैसे एक बंदा एंट्री ले चुका, राइट, तो यहाँ पे आएगा वो, तो जितना खर्चा यहाँ होगा ऑलमोस्ट उतने खर्चा माल्टा में भी होता ही है। वो बात आपकी सही है, आइडेंटिटी माल्टा, वेट करना, पैसे, वो सब, यहाँ वेटिंग पीरियड भी सेम ही है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, जॉब मिल सकती है यहाँ पे? यार पुर्तगाल में तो यही है ना, लैंग्वेज बैरियर है, आपको पुर्तगीज आएंगे तभी तो आप सामने कुछ सेल करोगे, कुछ सर्विसेज दोगे, लैंग्वेज मस्ट है यहाँ पे। और इधर इस पुर्तगाल में मैंने एक चीज ये देखी है कि आपकी रिस्पेक्ट भी जो है ना ज्यादा है, अगर आप उनकी लैंग्वेज, इवन आपको नहीं भी आती ना, आप कुछ भी बोलोगे ना, आप उनसे हेलो हाय भी इनकी लैंग्वेज में करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। सही बात। आशीष भाई का एक सवाल है, मैं क्लियर कर दूं कि 20 साल के हो ना तो भी आपको वर्क परमिट मिलता है, क्योंकि आप 18 प्लस अगर हो गए तो आपको लीगली लाइव एग्जांपल, तो मैं हूं 18 साल 3 महीने के टाइम पे उन्होंने दे दिया था इन्होंने, क्योंकि वो रूल ही हुई है। हां अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा मेरा एक्सपीरियंस का, इसका सवाल उन्होंने जवाब दे दिया आप लोगों को। और क्या है हमारे भाई का, मेल नर्स की जॉब होना है माल्टा में क्लिनिक हॉस्पिटल, इस पे वर्किंग चल रही है इनायत भाई? अभी अच्छा होगा कि आप माल्टा के, पुर्तगाल के बारे में जितना सवाल है
क्योंकि मैं पुर्तगाल में बैठा हूँ और दो ऐसे लोग के साथ बैठा हूँ जिनका एक टीआरसी कार्ड है, जिनका टीआरसी सेंटर प्रोसेस में, ये वो बंदे जिनको 6 महीने में टीआरसी मिला और इंशाल्लाह इसको भी 6 महीने मिल जाएगा। ये पाकिस्तान से है, ये इंडिया से है, 18 साल की उम्र में आ चुके हैं और ये इसके पहले भी ये 10-15 कंट्री घूमने के बाद फिर इन्हें लगा कि यूरोप जाना है तो यूरोप आए। एक सवाल आया है हमारे पास सर, जो पुर्तगाल में जॉब सीकर के लिए क्या प्रोसेस है, जो जॉब सीकर वीज़ा मिलता है उसके प्रोसेस के, मैं थोड़ा से बता दूं कि ये सब डिपेंड करता है कि आप जब पहले गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डालते हो, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ये मत समझना कि वो जो लेटर ऑफ मिलता है आपको आईएफपी से उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक होगा, आपकी पूरी हिस्ट्री चेक होती है, प्रोफाइल चेक होगी, वर्क प्रोफाइल कितना, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, एजुकेशन कितना है, क्या आपके सस्टेन वहाँ कर सकते हो, तो ही जाके आपको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, वरना जॉब सीकर वीज़ा इतना आसान नहीं है नहीं। क्योंकि क्या होता है गौरव, इसके नाम पे बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत स्कैम हो रहा है, कुछ लोग आईएफपी का लेटर दिखा के बोल रहे हैं कि यही आपका वीज़ा है। माय नॉलेज मुझे थोड़ा सा ये जो सुनने में आया कि इसमें मतलब स्पेशल स्किल्ड होना आपके पास जरूरी है, हाँ, और स्किल आपकी क्वालिफिकेशन लेवल जो है ना वो ऐसा हो कि आपको मतलब यानी इसको पुर्तगाल को जरूरत है आपकी, बट आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो आपको वीजा इशू करे। और आजकल मैं एक चीज और गौर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 80,000 लोगों की जरूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है तो जॉब खोज रहे हैं, तो ऐसा न्यूज बहुत गलत है, गलत फैलाया जा रहा है। अच्छा एक सवाल, और ऐसा कोई डेटा भी नहीं है कि जिसमें वो यूट्यूबर लोग बहुत सारे वो तो अपना डेटा बना लेते हैं, एजेंसी लोग डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं 80,000 तो समझ लो। सवाल है सर, मैं 1 ईयर से मलेशिया में हूँ इलेक्ट्रीशियन, पुर्तगाल में आ सकता हूँ? बेशक आप आ सकते हो, आप विजिट वीजा ट्राई करो, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की डिमांड बहुत हाई है। ये इंडियन है, ये आई थिंक इंडियन है, अगर ये इंडियन है तो ये पुर्तगाल नहीं, अभी अभी पुर्तगाल फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्ट नहीं कुछ नहीं। मेरा एक सवाल इनसे, या तो आप माल्टा परमिट ले लो, वहाँ पे लीगल एंट्री करके इधर आ जाओ, या फिर विजिट वीजा निकाल के आप डायरेक्ट यहाँ पे आओ, क्योंकि स्किल लोगों का डिमांड है। उसके बाद यहाँ पे पूरा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए बंदे को कि किसी भी तरह एंट्री लेनी प्रायोरिटी। एग्जैक्टली भाई जी, बजट यूरोप जितना नहीं है, क्या मैं दुबई वगैरह इसके बाद में बात करूँगा मैं आपसे। डिजिटल मार्केटिंग का बात कर लिया मैंने, मैं विजिटर वीजा लेना है, प्रोसेस आपको एक वीडियो में देखो। अगर आपको किसी भी सेंजन वीज़ा का आपको विजिट वीज़ा लेना है या पुर्तगाल में लीगल एंट्री करना है विजिट वीज़ा के थ्रू, तो कोई भी 27 कंट्री में, इवन अब तो रोमानिया और बल्गेरिया भी ऐड हुआ है, उसकी भी वीज़ा लेके अक्टूबर के बाद यहाँ पे एंट्री मार सकते हो। उसके लिए प्रोसेस बता देता हूँ, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि टिकट की कॉस्ट कवर हो जाए सैलरी के 3 में। अगर आपकी सैलरी मतलब मेरा ये कहना है सिंपल भाषा में, आज इनको मैं थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ कि सेंजन वीज़ा एक्चुअली मिलता कैसे है पुर्तगाल एंट्री के, कोई भी एंट्री करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट देखो, कोई भी अगर 8 दिन का बजट बनाते हो तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यूरोप की टिकट 1 लाख रुपए की रिटर्न टिकट होती है, मानो हम 1 लाख रुपए की टिकट हुई और रोज का लगभग समझ लो होटल का 100 यूरो का खर्चा है लगभग। अगर 8 दिन का प्लान बनाते तो 800 यूरो आपका हो गया, ठीक है, और ये आपका 1 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का बजट बन गया। तो 2 लाख का मतलब होता है आपकी सैलरी अगर 50 से 60 हज़ार है तो आपको चांसेस है कि आपको वीजा मिल जाए। लेकिन उसके लिए एक रूल और है, आपका जो 50-60 हज़ार आता है ये नहीं कि 1 तारीख को आया 2 को आपने निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। वो 1 तारीख को आया और पूरे महीने आपने सही तरीके से एक्सपेंस किया और लास्ट में 25,000 बचा, और 6 महीने के बाद जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें 2 लाख रुपये 1.5-2 लाख रुपये दिखता है, तो ही आपको वीज़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आपकी 50-60 हज़ार सैलरी हुई 3 महीने के बाद आपने पैसा निकाला भी नहीं, निकाल लिया और वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। एक हमारे भाई मेरा क्रोशिया का स्टडी वीज़ा 95 डे हो गया, मेरा वीज़ा नहीं आया। देखिए इसके बारे में नया वीडियो बना दूंगा मैं, अभी हम पुर्तगाल के पूरा फोकस करते हैं। अच्छा, विद हाउ मच मिनिमम अमाउंट वी कैन स्टार्ट बिजनेस इन पुर्तगाल, ये डिपेंड करता है बिजनेस में। कल मैंने वीडियो बनाया था, हाँ, इसका पोस्ट किया, हाँ, उन्होंने भाई ने बोला कि 10,000 यूरो रहेगा तो समझो एक अच्छी बिजनेस आप चालू कर सकते हैं यहाँ पे, ये सच है यार? ये मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि अगर उससे कम में भी हो सकता है। अच्छा लिस्बन सिटी में ही करना, देखो यही है, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फिर अगर 5,000 का बजट बंदा बोल रहा है तो शुरुआत आपको छोटे एरिया से करनी चाहिए, तो लिस्बन में भी साइड एरिया से। हाँ वही कह रहा हूँ, आप मतलब अगर बंदे का ठीक ठाक पैसा है तो लिस्बन में ही शुरू करना है। ये भी डिपेंड करता है, देखिए अगर 10,000 से स्टार्ट करना बिजनेस तो ऑब्वियसली उनकी बात कल सही थी कि इनकम भी वैसे ही होगा, हाँ। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट 5,000 से भी कर सकते हैं, वो आप 4,000 से भी कर सकते हैं, 4,000 से भी मतलब 5,000 5 लाख
5 लाख में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मेन सिटी से थोड़ा सा साइड पे होगा, वो लिस्बन ही, लेकिन मेन सिटी नहीं होगा, सेंटर नहीं, साइड पे आप वहाँ पे कुछ मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, आप कुछ प्रिंटिंग वगैरह का कर सकते हैं, ग्रोसरी कर सकते हैं। कुछ भाई का एक सवाल है साथ में, कैन वी स्टार्ट बिजनेस विदाउट टीआरसी? बिल्कुल, लीगल एंट्री के बाद। आप पुर्तगाल ऐसा है कंट्री कि आपने अगर एंट्री ले ली तो आप फ्रीली जो एक सिटीजन कर सकता है सब कुछ आप कर सकते हो, एक्सेप्ट वोट, सब, कोई कहीं नहीं कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मेरा एक ट्रिक से आप लोगों को बोलना, और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस बात को पहले भी बोला है कि आप लोग क्या करो, अगर दो तीन दोस्त हो मिल के, मेरे आप लोग का तरीका बता, पाकिस्तानी भाई लोग को बता देता हूँ या फिर इंडियन जो लोग देख रहे हैं, 4-5 दोस्त मिल जाओ, जो आप एजेंसी को 7-8 लाख देते हो, साथ में मिलाओ और एक प्रोजेक्ट बनाओ, जो मैंने वीडियो पर पहले ही बनाया था, एक प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को दोगे ना, तो आई थिंक D2 या D7 को एक वीजा है, हाँ, है तो आप प्रोजेक्ट अगर बना के देते हो कि सर हमारा ये टारगेट है कि हम एक वेब डिजाइनिंग का ऑफिस खोलेंगे, या फिर हम एक हेयर सैलून खोलना चाहते हैं, या फिर हम टेक्निकल सर्विस खोलना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को दो, तो आपको वीजा देते हैं 120 डेज का, D2 वीजा, D2 वीजा, इवन माल्टा भी देता है स्टार्टअप, पुर्तगाल की बात, पुर्तगाल में बैठे, पुर्तगाल की बात कर रहे, तो आप अगर D2 वीजा आपको दे देता है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बना के, प्रोजेक्ट आप खुद मत बनाओ, किसी एक्सपर्ट को पकड़ो, और आप 8-8 लाख का फंडिंग, 4 लाख 4 बंदे रखो, तो 16-30 लाख रुपए का बजट हुआ, आराम से। 30 लाख जो रकम होता है काफी बड़ा रकम, 30,000-35,000 यूरो होता है, उतना गवर्नमेंट को दिखाओ, उसकी बॉन्डिंग बनती है, जो मैंने सुना है बॉन्डिंग बनती है, उसको सर्विस दोगे तो आपको 120 डेज का वीजा देंगे, आप यहाँ पे लैंड करो, आप चाहे लिस्बन में, आप जानते हैं पूरे यूरोप में कहीं, मतलब पुर्तगाल में कहीं भी जाओ, वहाँ पे आपको हेयर सैलून खोलना है या आपको टेक्निकल सर्विस खोलना है, टेक्निकल सर्विस में एक चीज़ बता देता हूँ, 4 बंदे का सेम पोस्ट होगा तो भी चलता है, चारों वेल्डर है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा आप चारों वेल्डर हो, या एक इलेक्ट्रिशियन एक वेल्डर है, या एक इलेक्ट्रिशियन एक वेल्डर है एक प्लम्बर है, या उसमें से कोई एक बंदा अलग टेक्निकल बंदा है, तो कर दिए बिजनेस स्टार्ट, आप टेक्निकल सर्विस का यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपको ये लास्ट में सोचना ही पड़ेगा, पैसा लगा के आ रहे हो आप, तो वो आप यहाँ आके भी मेहनत कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आपके पैसे भी सेफ रहेंगे, प्लस अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर 5-5 लाख रुपया भी है और 20,000 यूरो का बजट आप पुर्तगाल एम्बेसी को शो कर सकते हो, तो मुझे लगता है उस बेसिस पे आपको वीजा दे देते हैं, लेकिन आपको कोई प्रोफेशनल बंदा पकड़ना पड़ेगा, और आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, अगर आप वेल्डर हो तो वेल्डर का ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन की ITI होनी चाहिए, या सर्टिफिकेट्स इज मस्ट विद एजुकेशन, क्योंकि आपको इंटरव्यू वीडियो वहाँ पे इंटरव्यू आपको जिस तरह से हम बैठे हैं फेस करेंगे, और आपको सवालों का जवाब वहाँ पे देना पड़ेगा, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है जिसको वेब डिजाइनिंग या ऐप बनाना आता है, या फिर फेसबुक की सर्विस देने आता है, या किसी तरह का सर्विस देना था, तो भी वो 4-5 बंदे मिलके भी इस तरह का वीजा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा सवाल पूछते हैं, अगर मार्केट में बैठना है ना, तो मैं ये सजेशन करूंगा कि स्टार्ट में आपके 2-3 महीने आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं करो, थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर वर्कआउट कर लो, तो उससे आपको बहुत इजी भी हो जाएगा काम करना। लोकेशन अच्छी दूर हो, थोड़ा एक सवाल है सर, माल्टा से विदाउट TRC कार्ड पुर्तगाल ट्रेवल कर सकते हैं? बिल्कुल, वीजा वैलिड होता है, वीजा वैलिड होता है तो हाँ, और क्या, हाँ। लेकिन एक चीज बता दूंगा मैं यहाँ पे, बहुत उज्जवल भोल जी आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, अगर आपने माल्टा ट्रेवल किया और आपका वीजा वैलिड है, और खुदा न खास्ता आपको आते समय पुर्तगाल के लिए आपको चेक इन एरिया में पकड़ा, तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, डायरेक्ट रिवोक मार्केट डिपोर्ट करेंगे, मेरे पास प्रूफ है, एग्जैक्टली मेरे पास, जैसे चेक इन करते हैं वहां पे पुलिस आपको पकड़ता है कि पुर्तगाल क्यों जा रहे हो, तो वहाँ पे इस बहुत ये आज से तकरीबन 2 साल पहले तक ये सीन बहुत ज्यादा इन था, लोग कर रहे थे, और उस वक्त इतना ज्यादा मतलब चेकिंग नहीं थी, लेकिन अभी चेकिंग ज्यादा है, मैं मतलब यानी वो इस तरह है कि आपको वही बात आ जाती है कि अगर आपको आना है तो पहले आप वहाँ जाओ, एटलीस्ट आप TRC वहाँ पे लो, कंपनी को इन्फॉर्म करके आ जाओ, नहीं तो अगर बाहर से ही डायरेक्ट आ जाओ तो वो एक अलग बात है, जाओ ही नहीं। सवाल है सुपरमार्केट का, मैं आपको क्लियर दे देता हूँ कि जैसे गौरव ने बोला है कि जॉब ऐसे जगह पे जहाँ पे पुर्तुगीज लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे सुपरमार्केट हो, तो वहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आप फ्रंट डेस्क में क्या मसला है, या बैकएंड में तो शायद आपको चांसेस हाँ। मिल जाए, लेकिन डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रगल कितनी है, आप कितना उनको अप्रोच कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम लोग कोई आपको सवाल, क्योंकि क्लाइंट इवन आया कुछ लेने के लिए वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को नहीं आती इंग्लिश, तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो आप वैल्यू फॉर उनके लिए नहीं होना। मॉल्स वगैरह में जॉब्स जो है ना वो बहुत ज्यादा मिले हैं। दहिया जी को एक जवाब को देना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के से फिर सवाल कर रहे हैं, मैं आपको एक मेरा फ्रेंड है और काफी पुराना फ्रेंड रहा, तो उसका डिजिटल मार्केटिंग था, वो स्पेन का वीजा लेकर आया था और यहाँ पे उसने डिजिटल मार्केट बिजनेस चालू किया, उसके बिजनेस उसने 1 साल की स्कोप दिखाया कंपनी को और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को उसने बहुत अच्छा स्कोप दिखाया, और 1 साल तक उसने किया भी,
और लीगल एंट्री करके आप फैमिली के साथ यहाँ रहता, तो ऐसा नहीं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्कोर की स्कोप नहीं है, स्कोप है बट आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप सोचोगे कहीं नौकरी मिल जाए तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल इस लाइन में, आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो। किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड सर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिलती है क्या लाइक कॉल सेंटर में? नहीं मिल जाती है, कॉल सेंटर में मिल जाती है, बट उसके लिए आपको आईएलटीएस प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अगर आपके पास है टीआरसी कार्ड नहीं भी होगा तो चल जाता है, बट आईएलटीएस प्रोफेशनल होना चाहिए। 7.5 प्लस है या 7.5 प्लस बैंड होना है आपके जरूरी है, फिर उसमें जॉब मिल जाती है, सैलरी भी अच्छी है। बट मतलब आपको पता है एकदम मतलब यानी फुल फ्लुएंट इंग्लिश बंदे की चाहिए थी। ओके ओके, तो ये काफ़ी सवालों का जवाब हमने आज दिया बैठे हुए, और करीब 20-25 मिनट का वीडियो बन गया। गौरव ने अपना वक्त दिया और गौरव के यहाँ पे हम ऑफिस में बैठे हुए थे और काफ़ी सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है आज आपके बहुत सवालों का जवाब हो गया। गौरव एक आखिरी सवाल, दो ऐसे तरीके जिससे लीगल एंट्री किया जा सकता है, या तो मुझे अगर मुझे बिजनेस बनना है तो आर्टिकल क्या है, उस आर्टिकल का डिटेल वीडियो मैं लाइव आके कल बनाऊंगा, तो उस आर्टिकल को क्या बोलते हैं जिसमें बिजनेस करते हैं? फायदा नुकसान कुछ नहीं है, आप बस इनके गवर्नमेंट को क्लियरली बता रहे हो कि मेरा पर्पस क्या है, बट वो बदल सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 89 में किया है बिजनेस शो करके फिर मैं जॉब करने लगा तो प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टैक्स से मतलब है? टैक्स से मतलब है, प्लस हाँ आप यहाँ लीगली रह के आराम से जो भी कर रहे हैं। अगर मैं 89 में गया तो मैंने कंपनी लाइसेंस खोल दिया, तो अगर मैंने टैक्स कंपनी कुछ दिया तो उसका बेनिफिट नहीं होगा ना कंपनी? नहीं, ऐसा हुआ ना कि 89 में स्लिप्स निकलती है ना, जब आपने तो टैक्स नहीं देना। चलिए 89 पे डिटेल वीडियो बनाएंगे हमारे भाई के साथ ताकि उसमें थोड़ा बहुत सारे लोगों क्लियर हो जाए। तो माल्टा, चलिए इनका माल्टा का क्वेश्चन आंसर बाद में क्लियर करेंगे। मुझे लगता है वीडियो बहुत लेंदी हो गया, 27-28 मिनट की वीडियो हो गया, और यही कोशिश रहेगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपके पास लेके आऊँ। डेनमार्क जाने वाला दोस्तों परसों, देखता हूँ मैं क्या कवर कर सकता हूँ वहाँ पे, उसके बाद मैं माल्टा पहुँचूँगा, माल्टा में कई लोगों से मिलूँगा, बहुत सारे काम निपटाना है। उसके बाद जागरेब जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पे शायद गवर्नमेंट की कोई मसले चल रहे लाइसेंस के लिए और बाकी बहुत सारी चीज़ों का काम था। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। एक चीज़ अगर इफ यू डोंट माइंड थोड़ी सी लंबी शायद हो जाए, एक मिनट में लूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना लाइफ में टाइम वेस्ट किया थोड़ा, मैं जो आज यहाँ पे आया हूँ ना ये मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। तो जो लोग अभी तक सोच रहे हैं ना कि मैं माल्टा जाऊँ या मैं क्रोशिया जाऊँ या मैं पुर्तगाल जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे इन्फॉर्मेशन सही मिले नहीं मिले, मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका वहाँ पर सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप निकलो वहाँ से जितना टाइम से निकलोगे। मैं हैट्स ऑफ टू गौरव कि 18 साल 3 महीने की एज में ये बंदा बाहर निकल के आया इंडिया से और माल्टा में आया। माल्टा में आने के बाद आज जिस जगह पे आज ये है और जो ये काम कर रहा है ना, ठीक है, ये काम मतलब इसी एज में सूट करता है बंदे को, बिटवीन 20-25 हाँ, एट द एज ऑफ 30-35 सेटल रहेगा तो वहाँ पे ये सेटल हो जाएगा। आप 35 की एज में मैं अगर आता हूँ, मैं तो खैर पहले आ गया, लेकिन अगर मैं मतलब 30-35 के बाद आऊँगा ना, मेरे से वो स्ट्रगल होगी यहाँ पे, मुझे नेशनैलिटी भी लेट मिलेगी, टीआरसी भी लेट मिलेगा। तो इसलिए जो सोच रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो सोच रहे हैं अभी तक कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो अपना माइंड क्लियर करें और निकलें टाइम से। जितना आने वाले वक्त में पता नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हों, अभी ओपन है, मार्केट भी ओपन है ईजीली। माल्टा सब, मैं बार बार माल्टा को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मतलब हमारे एशियंस को जो है ना ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और एक माल्टा पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है मुझे, तो इस पर एक डिटेल वीडियो बता दूंगा कि गवर्नमेंट ने 60 डेज के अंदर सबमिशन क्यों बोला है। तो बहुत जल्दी इस पर वीडियो आने वाला, आप लोग वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, और एक चीज़ दोस्तों, मेरा सेंट्रल नंबर +9 99 88 83 85 84 है, और जो मेरा ईमेल आई डी है visasmalik@gmail.com है, उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते, तब मेरे DSB करके फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मलिक भाई के गूगल पेज रिव्यू में उसने रिव्यू भी दे देना, रिव्यू भी दे देना मेरा। हाँ, रिव्यू दो, लाइक सब्सक्राइब तो मस्त बनता है। हाँ, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप इनको मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।